16 सितंबर 2016 को मुमन एजेंसी के दूर अब्तादा इलाके अंबार पाईखान के एक मुकामी मस्जिद में उस वक्त खुद को हमला हुआ जब लोग सैकड़ों की तादाद में नमाज जुम्मा अदा करने में मसरूफ थे। मैं इस इलाके का बाशिंदा है। 16 दिसंबर को इधर धमाका हुआ और ये मस्जिद जो है शहीद हो गया। फिर हमारा इतना ताकत नहीं था और ये आर्मी की तरफ से अभी बनाया हुकूमत ने। खुदकुश हमले में गांव के 36 अफराद जान बहक होने के साथ साथ मस्जिद भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जिसको दोबारा तामीर करना मुकामी अफराद के लिए नामुमकिन था। धमाके के बाद पाकिस्तान आर्मी ने मस्जिद को अपने वसाइल से दोबारा तामीर करने का फैसला किया। आर्मी के सवाद स्काउट और इंजीनियरिंग बटालियन ने इस मस्जिद को अपने वसाइल से दोबारा तामीर किया। गवर्नर से फिकर आ गया, कमांडेंट से फिकर आ गए, कोर कमांडेंट साहब जनरल से फिकर आ गए, पा वक्त जब पखपल बंदी हूँ चुदे रहा देखिए खुरस्वा स्काउट सौ पर सौ इमदाद अमरस्त कड़ी दा दादागुई पर अमरस्त बंदी और दागुई पर इमदाद बनी दा जोड़। धमाके के बाद पाकिस्तान आर्मी ने मस्जिद को अपने वसाइल से दोबारा तामीर करने का फैसला किया। आर्मी के सवाद स्काउट और इंजीनियरिंग बटालियन ने इस मस्जिद को दोबारा तामीर करके मुकामी लोगों को हवाले किया। अंबार का इलाका जिंदगी की बुनियादी जरूरियात से महरूम है। मकामी लोग अगर एक तरफ इस मस्जिद की तामीर पर पाक आर्मी के शुक्रगुजार हैं, तो दूसरी तरफ मकामी इंतजामिया से अपने बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज और अस्पताल तामीर करने का भी मुतालबा कर रहे हैं। सारे इलाके को आप देख रहे हैं, हमारे स्कूल ऐसा पड़ा है, रोड ऐसा पड़ा है, कोई है नहीं। हम अगर हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की इलाके में हम रहते तो फिर हमको भी और हमारे बड़ों को भी एहसास होना चाहिए कि हमको भी तरक्की देंगे जैसा उन लोगों को तरक्की दे रहे, क्या हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। मस्जिद की तामीर के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस के सवाद स्काउट से राय जानने के लिए कई बार रابطہ किया गया, मगर हुकाम ने इस हवाले से राय देने से गुरेज किया। पाकिस्तान सागा के लिए कैमरामैन आलमगीर मोमन के साथ अब्दुल्ला मलिक फाटा, मोमन एजेंसी।